भारत पाक सीज फायर के 100 दिन हुए तो हर किसी की नजर थी सेना प्रमुख के एलओसी दौरे पर। एलओसी का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए सेना प्रमुख ने कई अहम बातें पाकिस्तान से जुड़ी हुई कही हैं, जो भारत तक आपको बताने जा रहा है। भारत के साथ दूरियों को पाटने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की बताते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम जारी है और घुसपैठ को रोकने जैसा कदमों से दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। जनरल नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लंबे समय तक कायम रहना पड़ोसी देश की गतिविधियों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमा पर आतंकी ढांचा अब भी पूरी तरह से मौजूद है, इसलिए तैयारियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सेना प्रमुख ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकी शिविरों और आतंकवादियों की मौजूदगी समेत आतंकी ढांचे होने जैसी गतिविधियां अब भी जारी है, इसलिए जहां तक हमारी तैयारियों और तत्परता के स्तर की बात है तो उसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। यानी कि सेना प्रमुख ने ये साफ कर दिया है कि भले ही अभी सीमा पर सीज फायर का पालन हो रहा है, लेकिन भारत की आतंकियों के खिलाफ जो नीति रणनीति रही है उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आने वाली है और भारत ये तब तक जारी रखेगा जब तक खुद पाकिस्तान जो है वो उन आतंकी पैड्स को खत्म नहीं करता या फिर भारतीय सेना उस पर कार्रवाई करके उसे खत्म नहीं कर देती। Other activities that they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, and that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. जब सेना प्रमुख से ये भी पूछा गया कि संघर्ष विराम को 100 दिन हो गए हैं तो क्या इस्लामाबाद पर अब भरोसा किया जा सकता है, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब देते हुए कहा है कि विश्वास बहुत ही कठिन चीज है और इसे पैदा होने में बहुत समय लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों तक अविश्वास रहा है, इसलिए जाहिर है कि हालात रातों रात नहीं बदल सकते और शांति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सीज फायर का सम्मान करता रहे। ये पूरी तरह से उसकी ही जिम्मेदारी है। मतलब साफ है कि भारत की सेना अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे के लिए तैयार है। तय पाकिस्तान को करना है कि उसे मिठाई का नहीं है या फिर ठुकाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।